गाइस क्या आपको पता है कि आपका म्यूजिक सुनने से वेट लॉस हो सकता है और साथ ही साथ इंसोमेनिया जैसी प्रॉब्लम भी दूर होती है। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही म्यूजिक से होने वाले बेनिफिट को समझेंगे, वो भी पूरे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के साथ और पूरे साइंटिफिक एविडेंस के साथ। और साथ ही साथ इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये भी पता चलेगा आखिर किस टाइप का म्यूजिक आपको सुनना चाहिए, मतलब जिससे हमें फायदा मिले। तो बन जाइए मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। गाइज बहुत सारे स्टडी हुए, फिर उसमें यह पता चला कि म्यूजिक एक ह्यूमन बॉडी को रिलैक्स करने का काम करता है और एक प्लेजर भी देता है और साथ ही साथ हमारी बॉडी को एक एक्सटर्नल एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। और इतना ही नहीं, म्यूजिक से थॉट्स, बिहेवियर और हमारी फीलिंग हर चीज इन्फ्लुएंस होती है। तभी तो हमने एक चीज और नोटिस की होगी कि जब भी आप जिम करते हो तो वहां पर एक म्यूजिक बजता है। तो अब आपको तो पता है कि मैं किस म्यूजिक की बात कर रहा हूँ। वहां पर एक एनर्जेटिक म्यूजिक बजता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी उस म्यूजिक के अकॉर्डिंग रिएक्ट करने लगती है। अभी जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ेगी आपको और अच्छे से समझ आता जाएगा। जी हाँ गाइस, एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब भी आप किसी होटल में या किसी भी ऐसे प्लेस में जाते हो जहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा हो, मतलब वहाँ पर आप काम कुछ और करने जा रहे हो पर बैकग्राउंड में एक म्यूजिक भी लगा है, आपने कभी ना कभी मॉल्स में, रेस्टोरेंट में, किसी होटल में ये चीज जरूर नोटिस की होगी। पर आखिर उसके पीछे का रीजन क्या होता है? कभी भी बैकग्राउंड में ऐसा म्यूजिक बजता है तो हमारा जो फोकस होता है वो उस म्यूजिक पर बिल्कुल भी नहीं होता है, मतलब जो काम हम वो करने आए उस पर एक अच्छा फोकस होता है, मतलब ये हमारा जो कॉग्निटिव टास्क होता है उसको इम्प्रूव करता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप उसी प्लेस में दोबारा विजिट करते हो तब आपको वहां पर एक अच्छी फीलिंग देखने को मिलती है, मतलब आपका पूरा ध्यान अपने काम पर ही रहता है। और साथ ही साथ आपने एक चीज और नोटिस की होगी, जब भी ऐसा म्यूजिक बजता है तो थोड़ा लाउड बिल्कुल भी नहीं बजता है, मतलब बहुत ही स्लो बजता है, मतलब और एक बीट बजते हैं। अब ऐसा नहीं कि बॉलीवुड के गाने बज रहे हैं और वो भी हाई बीट पे, अगर ऐसा होगा तो आपका पूरा ध्यान उस तरफ चला जाएगा जिसकी वजह से आप एक चीज पर फोकस नहीं कर पाओगे। तो वहां पर एक क्लासिकल म्यूजिक जरूर बजता है जो इनडायरेक्टली हमें एक प्लेजर देता है। तो गाइस आपके लिए यहाँ पर एक टिप है, जब भी आप ऐसा कोई काम कर रहे हो जिसमें आपको टाइम लगेगा तो उस टाइम पर आप एक बैकग्राउंड म्यूजिक बजा सकते हो। अब ऐसा नहीं कि आप बॉलीवुड के कुछ भी सॉन्ग आप बजा रहे हो, वहां पर आप एक क्लासिकल म्यूजिक बजा सकते हो जिसके बाद एक इनडायरेक्टली आपका अपने काम पर अच्छे से फोकस जरूर होगा। जी हाँ गाइस, क्या आपको पता है कि म्यूजिक हमारा एंजाइटी लेवल कम करता है? पर आखिर ये कैसे करता है? तो इसी चीज को देखते हुए 2011 में ड्रेक्सल यूनिवर्सिटी में एक स्टडी पब्लिश हुई जिसमें उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 20 लोग को एक अलग अलग ग्रुप में बांटा और एक ग्रुप को एक क्लासिकल म्यूजिक सुनने को दिया और दूसरे ग्रुप को एक हाई बीट का म्यूजिक सुनने को दिया, मतलब एक अलग टाइप का म्यूजिक। तो फिर बाद में साइंटिस्ट ने यह नोटिस किया कि जिन्हें क्लासिकल म्यूजिक सुनने को दिया है उनका एंजाइटी लेवल काफी डाउन है और जिनको एक अलग टाइप का म्यूजिक सुनने दिया है तो उनका एंजाइटी लेवल काफी हाई है। तो इस तरीके से ये हमारा एंजाइटी लेवल कम करता है। अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि आखिर म्यूजिक सुनने से हमारा वेट कम कैसे होता है? तो आखिर बॉडी में ऐसी क्या रिएक्शन होती है जिसकी वजह से हमारा वेट लॉस हो जाता है? तो ये चीज जानने से पहले हम ये जानते हैं कि आखिर जिम में एक वर्कआउट म्यूजिक यानी एक एनर्जेटिक वाला म्यूजिक ही क्यों बजाया जाता है। तो फरवरी 2009 में द जर्नल ऑफ एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में ये पब्लिश हुआ कि जब लोग म्यूजिक सुनने के साथ साथ एक्सरसाइज करते हैं तो उनका बॉडी टेम्परेचर और रेस्पिरेटरी रेट दोनों बढ़ जाते हैं और जिसकी वजह से जो उनकी बॉडी होती है वो ज्यादा वर्क करने लगती है और ज्यादा फैट लॉस करने लगती है। तो इसी रीजन से जिम में एक एनर्जेटिक म्यूजिक बजाया जाता है। तो गाइस ये तो बात कर ली हमने एक स्टडी की, पर इसे आप प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। अगर आप कभी जिम जाते हैं या कहीं पर भी एक्सरसाइज करते हैं तो वहां पर आप कभी स्लो म्यूजिक बजा के देखिएगा। जब भी आप स्लो म्यूजिक बजाएंगे तो आपकी बॉडी की एनर्जी अपने आप कम हो जाएगी और आप ज्यादा देर तक वर्कआउट नहीं कर पाओगे। तो गाइस ऐसा इसीलिए होता है, जो म्यूजिक में एक एबिलिटी होती है जिसके वजह से हमारे बॉडी में एंडोर्फिन्स नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है। एंडोर्फिन्स एक ऐसा हार्मोन है जो हमारी बॉडी को अच्छा महसूस कराता है, एक प्लेजर देता है और यही एंडोर्फिन सबसे ज्यादा तब रिलीज होता है जब कोई भी आदमी एक्सरसाइज करके या जिम करके आता है। तो इस चीज का यही रीजन है गाइस, म्यूजिक सुनने से आपका वेट लॉस किस तरीके से होता है तो वो सब होता है एंडोर्फिन्स की वजह से। अब एंडोर्फिन्स में एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके वजह से ये हमारा जो फैट होता है वो रिड्यूस करने लगता है। तो गाइस मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि आप म्यूजिक सुनकर ही अपना वेट लॉस कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप अब जिम जाना छोड़ दें बस म्यूजिक ही सुने, तो इससे कुछ भी नहीं होगा। जो म्यूजिक सुनने से एंडोर्फिन्स रिलीज होता है वो काफी कम लेवल में होता है, बस म्यूजिक एक हेल्प कर सकता है आपके वेट लॉस में अगर आप उसे सही तरीके से करें।
जी हाँ गाइज, म्यूजिक सुनने से आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है, पर आखिर ऐसा होता कैसे है? तो यहाँ पर मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी टीम ने एक स्टडी पब्लिश करी कि 15 मिनट म्यूजिक सुनने से इंटरल्यूकिन 1 लेवल जो हमारी बॉडी में होता है उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो इंटरल्यूकिन 1 का अगर लेवल इंक्रीज होता है तो ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो इसी स्टडी को देखते हुए फ्लोरिडा के साइंटिस्ट ने ऐसा सोचा कि हम क्यों ना एक एक्सपेरिमेंट करें। अब यहाँ पर कुछ ऐसे पेशेंट को लिया गया जिनको बोन्स में दर्द या जोड़ों में दर्द हुआ करता था। अब उन्हें डेली एक क्लासिकल म्यूजिक सुनाया गया सिर्फ 15 to 20 मिनट। अब 1 to 2 महीने बाद ये निकल के आया कि जिन्होंने भी क्लासिकल म्यूजिक सुना है वो भी सिर्फ 15 to 20 मिनट, उनका जो दर्द था वो हल्का सा कम जरूर हुआ है। तो इसके बाद से क्लासिकल म्यूजिक को एक ऐसा खिताब मिल गया कि वो आज तक किसी भी म्यूजिक को नहीं मिला। अगर आप यूट्यूब पे भी क्लासिकल म्यूजिक करके सर्च करेंगे तो आपको काफी म्यूजिक वहां पर सुनने को मिल जाएंगे। जी हाँ गाइज, म्यूजिक से जो हमारे बॉडी का सेरोटोनिन लेवल होता है वो इंक्रीज होता है। तो अब मैं बताता हूँ ये सेरोटोनिन का आखिर काम क्या होता है। तो जब भी आप कभी स्ट्रेस में होते हैं और तब आप म्यूजिक सुनते हैं या डांस करते हैं तो उस टाइम पे एंडोर्फिन्स और सेरोटोनिन का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है, जिसके बाद सिंपैथिक नर्वस सिस्टम से कॉर्टिसोल और डोपामाइन जैसे हार्मोन का लेवल कम हो जाता है। तो इसी चीज को देखते हुए द इंटरनेशनल जर्नल ऑफ न्यूरोसाइंस में ये प्रूफ हुआ कि एक क्लासिकल म्यूजिक सुनने से सेरोटोनिन का लेवल बढ़ता है और डोपामाइन का लेवल नीचे आता है। तो अगर सेरोटोनिन का लेवल बढ़ रहा है तो आपकी बॉडी से स्ट्रेस ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, जो आपको एक प्लेजर की फीलिंग जरूर देगा। तो गाइज, मैंने स्टार्टिंग में एक चीज बोल दी कि इंसोमेनिया जैसी जो प्रॉब्लम होती है वो म्यूजिक सुनने से दूर होती है। तो इंसोमेनिया एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बाद आपको नींद नहीं आती है, मतलब जिसको भी इंसोमेनिया होता है उसको नींद आने में हमेशा प्रॉब्लम होती है। तो गाइज, ऐसा एक्सपेरिमेंट तो मैंने खुद पर भी करके देखा है कि जब भी आपको कभी अगर नींद नहीं आती है तो आप एक क्लासिकल म्यूजिक बजा सकते हैं, जिसके बाद आप मतलब 15 से 20 मिनट बाद आप ये देखेंगे कि आपको हल्की हल्की नींद आने लग गई है। तो इन सारे चीजों को देखते हुए साइंटिस्ट ने इसको म्यूजिक थेरेपी का नाम दिया, क्योंकि यहाँ पर साइंटिस्ट ने यह कहा कि अगर हम म्यूजिक को सही तरीके से यूज करते हैं तो ये हमारे लिए काफी बेनिफिशियल होती है। तो गाइज, यहाँ पर तो मैंने बात कर ली म्यूजिक थेरेपी की, पर ऐसा नहीं है कि म्यूजिक से आपको हमेशा फायदा ही होगा, नुकसान भी हो सकता है। जैसे कभी कभी आप स्ट्रेस में होते हो तो आप स्ट्रेस म्यूजिक बजा देते हो, तो वो चीज आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। जैसे अभी हम एक नॉर्मल भाषा में समझे, जैसे कभी भी किसी इंसान का ब्रेकअप हो जाता है तो ब्रेकअप म्यूजिक ज्यादा सुनता है, तो उस टाइम पे उसे ब्रेकअप म्यूजिक ना सुनकर एक क्लासिकल म्यूजिक अगर वो सुने या एक ऐसा म्यूजिक सुने जिससे उसको प्लेजर मिले तो वो वहां पर उसके लिए एक म्यूजिक थेरेपी का काम करेगा। तो आपने साथ ही साथ एक चीज और नोटिस की होगी कि कभी कभी म्यूजिक सुनने से आपके आंखों में आंसू तक आ जाते हैं। तो ऐसा सिर्फ इसीलिए होता है कि जब वो म्यूजिक सुनता है तो वो अपने से रिलेट करने लगता है, मतलब उसे ऐसा लगने लगता है कि ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ है या हो रहा है, तो जिसके वजह से म्यूजिक सुनने के बाद लोग ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तो ऐसा अक्सर आपको अरिजीत सिंह के गाने में जरूर देखने को मिला होगा। सो गाइज, अगर आप म्यूजिक लवर हैं तो इसको हर एक म्यूजिक लवर के पास साइन करिए ताकि उनको पता चले कि आखिर म्यूजिक का सही तरीके से यूज कैसे किया जाता है। सो अगर आप जिस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।